हैंड्स ड्रॉ करके शो किया हुआ है इसी तरह आपने बाकी बाकी क्लॉक्स को हैंड्स ड्रॉ करने हैं बाकी क्लॉक्स पर हैंड्स ड्रॉ करेंगे आप यहाँ है एलेवन ओ शॉर्ट हैंड ऑन एलेवन एंड ओ क्लॉक के लिए हम लॉन्ग हैंड ड्रॉ करेंगे ट्वेल्व पे नाउ लुक एट द सेकेंड क्लॉक वन थर्टी फाइव दिस इज़ द आर हैंड आर हैंड मीन शॉर्ट हैंड शॉर्ट हैंड शुड बी ऑन वन एंड लॉन्ग हैंड थर्टी फाइव थर्टी फाइव के लिए आप पढ़ेंगे फ़ाइव का टेबल फ़ाइव के टेबल में थर्टी अप टू थर्टी फाइव फ़ाइव फ़ाइव ज़ा फ़ फ़ाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव तो लॉन्ग हैंड आ जाएगा सेवन पे इसी तरह है ये है ट्वेल्व थर्टी शॉर्ट हैंड आएगा ट्वेल्व पे और जो आपके पास दूसरा डिजिट है इसके लिए आप टेबल ऑफ़ फाइव पढ़ेंगे फ़ाइव सिक्स ज़ा थर्टी तो लॉन्ग हैंड आ जाएगा सिक्स पर इन्हीं थी, इन तीन क्लॉक्स को आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे नाउ लुक एट दिस हमारे पास जो क्लॉक होती है हमारी जो क्लॉक है वो हमें ट्वेल्फ तक टाइम शो करती है वन से लेके कर ट्वेल्व तक के आर्स को शो करती है लेकिन जो हमारा हमारी क्लॉक है वो ट्वेल्व ट्वेल्व ओ क्लॉक जो है वो डे में दिन में ट्वेंटी फोर आवर में टू टाइम हमें ट्वेल्व ओ क्लॉक शो करती है एक जब आप डे टाइम में और एक नाइट में मिड नाइट में जब हम ट्वेल्व ओ क्लॉक मिड नाइट में होते हैं तो तब हमारा डे स्टार्ट होता है और जब मिड डे में दोपहर के टाइम ट्वेल्व ओ क्लॉक होते हैं तो तब हमारा डे हाफ हो जाता है तो इसको जब जब ये रात को ट्वेल्व ओ क्लॉक शो करती है तो तब हमारा ड्यूरेशन स्टार्ट होता है ए एम का मीन के हमारा नया दिन शुरू होता है जब रात को नाइट को मिड नाइट को आधी रात को जब ट्वेल्व ओ क्लॉक होते हैं न्यू टाइम स्टार्ट होता है तो तब हमारा ड्यूरेशन स्टार्ट होता है ए एम का हमारा न्यू डे मीन स्टार्ट हो जाता है जब हम न्यू डे हमारे स्टार्ट होता है ड्यूरेशन चलता है क्लॉक अपना राउंड कंप्लीट करती है और दोपहर जब होती है मिड डे जब होता है ट्वेल्व नून हो जाते हैं तो तब हमारा जब आधा दिन होता है तो जब ट्वेल्व ओ क्लॉक होते हैं तो पीएम का ड्यूरेशन स्टार्ट होता है पीएम एम के लिए तब हमारा पीएम स्टार्ट होता है और वो पीएम चलता है मिडनाइट तक मीन के ये रात से लेके अगली रात तक मिडनाइट से लेके नेक्स्ट मिडनाइट तक हमारा तो एक पूरा दिन कंप्लीट होता है जिसे हम ट्वेंटी फोर आवर कहते हैं अब इसी तरह मॉर्निंग से हमारा डे स्टार्ट होता है सनराइज़ होता है फिर मॉर्निंग फिर मिड डे तो आफ्टरनून आता है फिर सनसेट हो जाता है सूरज गरूब हो जाता है फिर इवनिंग होती है और मीन नाइट हो जाती है और हमारा डे फिनिश हो जाता है नाव लुक एट योर बुक पेज वन ज़ीरो सेवन फॉर द फॉलोइंग टाइम राइट एम एंड पी एम टू ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग मॉर्निंग के टाइम टू ओ क्लाक मीन के जब आपका न्यू डे स्टार्ट होता है टू ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग तो उसको मॉर्निंग ही बोलेंगे आप उसको मिड नाइट नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका न्यू डे स्टार्ट हो चुका होता है इसलिए वो मॉर्निंग ही होता है दैट्स वाई वी राइट एम आधी रात को टू ओ क्लाक तो एम नाइन ओ क्लाक इन द इवनिंग शाम के टाइम जब आपके नाइन ओ क्लाक होते हैं तो मीन के ये दोपहर के बाद का टाइम है जब हमारा दिन आधा गुजर चुका होता है तो वो क्या है पी एम है वन थर्टी इन द आफ्टरनून वन थर्टी इन द आफ्टरनून मीन ट्वेल्व ओ क्लाक के बाद का टाइम है इन द आफ्टरनून मीन इवनिंग टाइम तो ये भी क्या है पी है ट्वेल्व ट्वेंटी इन ट्वेंटी इन नाइट मीन के रात को बारह बजकर ट्वेल्फ ट्वेंटी मीन टवेल्फ के बाद की टाइमिंग है ये डेट्स वाईस ए एम मीन के न्यू डे स्टार्ट हो चुका है एट थर्टी इन द मॉर्निंग मीन मॉर्निंग एट थर्टी एम फिल इन द ब्लैंक्स देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ डे ईच पार्ट कंटेन हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट के में कितने आर्स होते हैं ट्वेल्व आर होते हैं क्योंकि हमारी क्लॉक जो है वो टू राउंड्स कंप्लीट करती है तो एक बार भी ट्वेल्व ओ क्लॉक और दूसरी बार भी ट्वेल्व ओ क्लॉक तो ईच पार्ट कंटेन 12 ओ क्लॉक फर्स्ट पार्ट ऑफ अ डे स्टार्ट फ्रॉम मिड नाइट मिड नाइट मीन के रात को हमारा न्यू डे स्टार्ट होता है ट्वेल्व ए एम से लेके मिड डे दोपहर ट्वेल्व पी एम तक इसको आप करेक्ट कर लेंगे दिस इज़ एम दिस इज़ नॉट पी एम सेकेंड पार्ट ऑफ अ डे स्टार्ट फ्रॉम मिड डे ट्वेल्व पी एम जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो मिड डे से शुरू होता है ट्वेल्व पी एम से टू मिड नाइट तो वो चलता है मिड नाइट तक जैसे कि आपको मैंने इधर शो किया है कि हमारा ए एम से शुरू होता है डे और पी एम पे जब हम पहुँचते हैं जब दोपहर में बारह बजते हैं ट्वेल्व ओ क्लॉक होते हैं तो तब हमारा दिन आधा हो जाता है और तब पी शुरू हो जाता है और ये पी चलता है रात तक आधी रात तक मिड नाइट तक ट्वेल्व ओ क्लॉक जब दोबारा होते हैं नाउ व्हाट टाइम इज़ शोन ऑन द फॉलोइंग क्लॉक अब आपको क्लॉक्स के हैंड्स गिवन हैं और आपने इनके नीचे टाइम मेंशन करना है लॉन्ग हैंड ट्वेल्थ पे है और शॉर्ट हैंड टेन पे है मीन टेन ओ क्लॉक लॉन्ग हैंड ऑन ट्वेल्व एंड शॉर्ट हैंड ऑन टू मीन टू ओ क्लॉक शॉर्ट हैंड ऑन सिक्स एंड लॉन्ग हैंड ऑन ट्वेल्थ मीन सिक्स ओ क्लॉक एट पेज वन जीरो एट शॉर्ट हैंड ऑन सेवन एंड लॉन्ग हैंड ऑन थ्री मीन इधर आपको डिजिटल टाइमिंग भी गिवन है और एनालॉग टाइमिंग भी गिवन है पहले डिजिटल फिर एनालॉग डिजिटल के लिए आप सेवन लिखेंगे और फाइव जा फिफ्टीन और जब हम एनालॉग की बात करते हैं तो एनालॉग पे जब हमारे पास ये क्या है क्वार्टर थ्री पे जब लॉन्ग हैंड हो तो वो क्या है क्वार्टर पास्ट दिस इज़ क्वार्टर पास्ट सेवन नाउ लॉन्ग हैंड ऑन थ्री सॉरी लॉन्ग हैंड ऑन सिक्स एंड शॉर्ट हैंड बिटवीन थ्री एंड फोर फाइव सिक्स ज थर्टी बिटवीन थ्री एंड फोर मीन थ्री आर जो है वो आपका है थ्री ओ क्लाक थ्री थर्टी डिजिटल टाइमिंग एंड क्योंकि है लॉन्ग हैंड सिक्स पे है एंड इट इज़ हाफ पास्ट थ्री नाउ लॉन्ग हैंड ऑन नाइन एंड शॉर्ट हैंड ऑन फाइव लॉन्ग हैंड के लिए आप टेबल रीड करेंगे फाइव का फाइव नाइन ज फोटी फाइव एंड इट इज़ नॉट फाइव फोर्टी फाइव इट्स फोर फोर्टी फाइव बिकॉज आपके पास अभी फाइव ओ क्लॉक नहीं हुए फाइव आपके पास लॉन्ग शॉर्ट हैंड फाइव पर है लेकिन इसको हम फोर ही राइट करते हैं एंड डिजिटल एनालॉक टाइमिंग में क्वार्टर टू फाइव लुक एट द फॉलोइंग टॉक राइट इन बॉक्स इन बॉक्सेस द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम विद एम एंड पी एम इधर आपको जो टाइमिंग भी मैंशन है इधर आपके पास ओ क्लाक की सारी टाइमिंग है इसको आप एक वन टाइम एम में लिखेंगे एम के साथ लिखेंगे और सेकेंड टाइम पी एम के साथ लिखेंगे लाइक फोर ओ क्लाक एम एंड पी एम सेवन ओ सैन एम सेवन पी एम इसी तरह फाइव ए एम पी एम नाइन ए एम पी एम टू एम पी एम आप इनको लिख लेंगे अपनी बुक्स पर नाउ अब आपको इधर डायरेक्ट टाइमिंग मेंशन है इसको जस्ट आपने नीचे कॉपी करना है ए एम और पी